कई जिसने तुझे नाराज किया है उसको बहुत बड़ा दंड दूंगा और तेरे कारण मैं राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं। क्यों भाई, ये गैर जिम्मेदारान बयान है कि नहीं कि तेरे कारण राजा को भिखारी और भिखारी को राजा। अरे पहले पूछते तो कि तू नाराज क्यों है, कारण क्या है। तो केकई ने कहा कि देखो, आपने दो वरदान देने के लिए कहा था। देवासुर संग्राम में जब मैं सारथी बन के गई थी, हाँ हाँ कहा था, तो आज मौका आ गया है। दशरथ जी बोले, अरे दो की बात, दो ही के चार मांग भर ले, चार मांग भर। क्यों भाई, ये भी गैर जिम्मेदारान बयान हो गया कि नहीं। वो कह रही है दो, तू कह चार लो, ये कौन सा तरीका है भाई। पहले बात तो सुनो कि दो हैं कौन। कहे दो ही के चार, चार मांग। एक बात बताओ, आपकी पत्नी नाराज, एक उदाहरण दे रहा हो, और आप कहो क्यों नाराज क्यों हो। गया इसलिए नाराज हैं कि पड़ोसी ने अपनी पत्नी को 10 तोले सोने का हार बनवा दिया है। तुमने क्या सोचा, तुम कहो अरे उसने 10 तोले सोने का हार बनवाया है, तुम 50 तोले सोने का हार बनवा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ये कहते हैं, ठीक है उन्होंने 10 तोले का बनवाया होगा, उनके पास व्यवस्था होगी, अनुकूलता होगी, हम भी अपनी परिस्थिति पर विचार करेंगे। क्यों कहना चाहिए कि नहीं, हम भी अपनी परिस्थिति पर विचार करेंगे। तो पत्नी अगर ये कहती है कि कब करोगे विचार, आज, तो कह दो नहीं आज नहीं, तो कल लाओ। ये भी मत कहो हाँ कल, कह दो कल भी नहीं, फिर परसों, परसों में बरसों निकाल दो, धीरे 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 निकाल दो अपने विवेक से, थोड़ा विचार करना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा दो के चार, चार मांग लो। कहीं ने कहा नहीं, हमें चार नहीं चाहिए, हमें तीन भी नहीं चाहिए, हमें एक भी नहीं चाहिए, केवल दो। और आप कहते हो किसी भिखारी को राजा बना दूं और राजा को भिखारी बना दूं। राष्ट्रपति अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए कहे कि किसको फांसी दे दूं, बोल तेरी इच्छा जिसके लिए हो उसको फांसी दे दूं। सावधान, संविधान जैसा कहेगा वैसा राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, पत्नी जैसा कहेगी वैसा राष्ट्रपति को नहीं करना चाहिए। अगर वो पत्नी के पीछे उसकी सोच के अनुसार निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से वो संविधान का अपमान कर रहा है, और जिस राष्ट्र की ऊंचाई पर पहुंचा है, जिस पद पर पहुंचा है, उस पद की गरिमा को नष्ट कर रहा है। तो यही अर्थ होगा कि नहीं होगा। सावधान, महाराज श्री दशरथ ने जब केकई जी को स्वतंत्र किया तो केकई ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे दो ही चाहिए, जिसे आप राजा बना रहे हो उसको राज्य से अलग कर दो, और जिसको राज्य से अलग कर दिया है उसको राज्य में बुला करके सिंहासनासीन करो। मैं मानती हूं कि आपने भिखारी माना है, किसको, भरत को। वो कैसे, कहा राम को राजा आप बनाना चाहते हैं, आपने निमंत्रण तीर्थों में पहुंचाया है, आपने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, हर पुनीत नदी के जल को आपने मंगाया है, ऋषि मुनि महात्माओं के पास निमंत्रण पहुंचाया है, लेकिन भरत बेटा है, निमंत्रण नहीं देना चाहिए था, सूचना तो देनी चाहिए थी, लेकिन आपने सूचना भी नहीं दी। क्यों,
किसी के भी घर में कोई आयोजन होता है, सबको सूचना दी जाती है, निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन भिखारियों के पास कोई सूचना नहीं पहुंचाई जाती है। इसका मतलब है आपने भरत को भिखारी माना है। अच्छा बोलो, भिखारियों को कभी किसी ने निमंत्रण दिया? जल्दी बोलो, नहीं दिया। भिखारियों के पास तो सूचना भी नहीं पहुंचाई जाती, वो तो अपने आप आ जाते हैं, जानकारी कर लेते हैं। भरत को भिखारी माना है, भिखारी माना है। ओ प्यारे भरत जी ने भी मांगो भीख त्याग निज धर्म आरत काहे न करे कुकर। भरत को भिखारी माना है, इसलिए उस भिखारी को राजा बनाओ, और जिसे राजा बनाने का संकल्प लिया है उसको राज्य से कोसों दूर करो। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी पसीना निकल गया, मूर्छित होकर के गिर पड़े, थोड़ा होश आया तो कहा, कैकेयी भरत से मेरा प्रेम है, मैं भरत को राजा बनाऊंगा और राम भी समर्थन करेगा, लेकिन भरत राजा बन जाए, राम को अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने का अधिकार है, इसलिए राम 14 वर्ष तक अयोध्या के अंदर एक झोपड़ी में गुजारा करेगा, लेकिन राम को अयोध्या से बाहर मत करो, बाहर मत करो, अयोध्या के अंदर ही राम रहे, एक झोपड़ी में गुजारा करेगा राम, लेकिन अयोध्या से बाहर मत करो राम। कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं, अयोध्या के अंदर नहीं, यदि आपको स्वीकार नहीं है, राम यदि अयोध्या छोड़ के बन नहीं जाते हैं, तो मेरी मृत्यु निश्चित होगी, मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा, लेकिन राम यदि चले गए तो मैं मर जाऊंगा, दो में से किसी एक को मरना पड़ेगा, राम यदि अयोध्या में रहे तो मैं बचूंगा। कैकेयी कहती, मैं मरूंगी, और दशरथ जी कहते, राम अयोध्या से बाहर करें गए तो मैं बचूंगा नहीं, मैं निश्चित रूप से मरूंगा। कैकेयी ने कहा, इस पर आप विचार करो, मुझे विचार नहीं करना है। दशरथ जी कहते हैं, मांग माथ आवही देओ तो ही, और राम बिरह जन मार सिमोही, राम के विरह में मुझे मत मार, मांग माथ ये सिर तेरे सामने है। कैकेयी ने कहा, मुझे आपका सिर नहीं चाहिए, मुझे तो भरत के सिर पर ताज चाहिए, आपका सिर नहीं चाहिए, आपके सिर का ताज चाहिए। क्या चाहिए जल्दी बोलो। कैकेयी ने कहा, सिर नहीं चाहिए, जो सिर पर ताज रखा है वो ताज चाहिए। सिर नहीं, सिर से क्या लेना लेना। अब दशरथ जी महाराज बहुत मनाए कैकेयी के, लेकिन वो मानी ही नहीं। दशरथ जी ने सोचा कि इसको मनाना व्यर्थ है, घंटा भर से प्रार्थना कर रहा हूं, मना रहा हूं, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। दशरथ, अब तुझे भगवान शिव को मनाना चाहिए। किसे मनाना चाहिए? भगवान शिव को। देखो यहां शिव जी की भूमिका। दशरथ जी महाराज ने शिव जी से प्रार्थना की, ए सुमीरी महेश, ये कोप भवन की चौपाई है। दशरथ जी ने कोप भवन में किसका स्मरण किया? भगवान शिव का। सुमिरी महेश कहा निहोरी, बिनती सुनहू सदा शिव मोरी। हे भगवान शिव, हमारी प्रार्थना सुनो, मैं प्राण छोड़ने जा रहा हूं, आज अगर आप दशरथ की रक्षा करना चाहते हैं
तो आज बचा लो दशरथ, दशरथ को बचा लो। आज ये दशरथ प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान शिव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज दशरथ संकट में फंस गया है, आज दशरथ को संकट से उबारो। देखो भाई, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव हैं, लेकिन भगवान शिव का स्मरण महाराज दशरथ ने किया तो कैलाश पर्वत पर बैठे थे भगवान शिव, खड़े हो गए। पार्वती जी ने कहा, महाराज इकाए खड़े हो गए, क्या बात है? कहा मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अयोध्या। क्या बात है अयोध्या? जल्दी, इतने जल्दी इकाए प्रोग्राम? कहे अयोध्या का सम्राट जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, अयोध्या का सम्राट समय संकट में फंसा हुआ है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, आज मुझे पुकार रहा है, विलंब हो जाएगा तो बहुत बड़ा खतरा होगा, इसलिए मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, महाराज अयोध्या में इतना बड़ा संकट? बोले हाँ, संकट आ गया और मैं जाऊंगा। जैसे भगवान शिव पहुंचे तो अयोध्या के किसी नागरिक ने भगवान शंकर को नहीं देख पाया, सीधे डायरेक्ट कोप भवन में प्रवेश किया भगवान शंकर ने। अच्छा, कोप भवन में भगवान शिव ने प्रवेश किया, वहां केकई मौजूद है लेकिन केकई को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान शंकर, और दशरथ जी बेहोश पड़े हुए हैं, और भगवान शिव ने दशरथ जी महाराज को उठाया, केकई को दिखाई नहीं दी। आप कहोगे ये भी बड़ी विचित्र बात है कि दशरथ जी महाराज को उठा रहे हैं और पास में केकई है और केकई को दिखाई नहीं दे रहे हैं शंकर जी। कारण क्या है? केकई जी की आंखों में क्रोध है, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है याद रखना उसे परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो दशरथ जी को क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि केकई की आंखों में क्रोध है और दशरथ जी की आंखों में करुणा है। जिसकी आंखों में करुणा होती है उसी को भगवान दिखाई देते हैं, जिसकी आंखों में क्रोध होता है उसे भगवान दिखाई नहीं देते। इसलिए आंखों में करुणा हो, क्रोध नहीं। ये क्रोध पाप कर मूल, ये क्रोध ही तो विनाश का कारण है। क्रोध के कारण ही आज सबसे बड़ी अवनति हो रही है। उन्नति में बाधक यदि बन रहा है, विकास में बाधक बन रहा है, भगवत प्राप्ति में भी यदि बाधक बन रहा है तो हमारा क्रोध बन रहा है। इसलिए क्रोध पाप कर मूल, क्रोध से बचना चाहिए। आज नेत्रों में आंसू है, करुणा है। भगवान शिव ने जैसे ही उठाया तो दशरथ जी की आंख खुल गई, पर जैसे ही महाराज दशरथ की आंख खुली तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, आस तोस तुम अब ढर सामने जब व्यक्ति होता है तो संबोधन किया जाता है। भगवान शिव सामने हैं, इसलिए संबोधन है, आस तोस तुम। आप कह सकते हो महाराज तुलसीदास जी ने लिख दिया
लेकिन ऐसा संभव है क्या? अरे भाई संभव है, क्योंकि दोबारा मैं फिर संबोधन किया, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव तुम प्रेरक। लेकिन तुम शब्द का संबोधन अपने से छोटे के लिए किया जाता है, लेकिन महाराज श्री दशरथ भगवान शिव के लिए तुम शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये बुद्धिमान के लक्षण है क्या? ये बुद्धिमान की भाषा है? अपने से बड़े को आप कहना पड़ता है कि तुम? अपने से छोटे को आप तुम कहिए, अपने से बड़े को आप कहिए। लेकिन तुम प्रेरक सबके हृदय, आस तोस तुम अवधर दानी, बार बार तुम 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 कह रहे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इस समय दशरथ जी की कंडीशन क्या है? व्यथित नहीं है, अति व्यथित है। और जब व्यक्ति अति व्यथित अवस्था में होता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। बोलो भाई, भूल जाता है कि नहीं? वो ये समझता ही नहीं है कि मुझे तुम कहना चाहिए कि आप कहना चाहिए। आपकी जगह तुम कहता है, तुम की जगह आप कहता है, क्योंकि अति व्यथित अवस्था में है महाराज श्री दशरथ। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं महाराज दशरथ, इसलिए सामान्य शिष्टाचार भूल गए। एक बात बताएं आपको, भगवान राम जैसा मातृ पितृ भक्त, लेकिन जहां चित्रकूट में भरत जी से कह रहे थे भगवान राम कि राख्यो राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत अति सोचु, तहिते अधिक तुम्हार सकोचु। इसका मतलब है कि भरत से कहा तहिते अधिक तुम्हार सकोचु, तो भरत छोटे हैं लेकिन पिता को सम्मान भी तो दे रहे हैं। राख्यो राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पन लागी। लेकिन वही भगवान राम लक्ष्मण शक्ति पर अति व्यथित हुए तो सामान शिष्टाचार भूल गए। जब लक्ष्मण शक्ति पर अति व्यथित हुए प्रभु राम तो सामान शिष्टाचार भूल गए। ए जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, तो पिता बचन मन तेऊ नहीं ओ। बोलो भाई, अति व्यथित अवस्था में है इसलिए ये भान ही नहीं है कि मैं क्या क्या रहा हूं। पिता वचन मनते, मैं पिता की बात नहीं मानता। क्यों भाई? मैं पिता की बात नहीं मानता। इसमें ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि भगवान राम इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो आजकल के लड़के अगर अपने बाप के लिए बोलते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? नहीं नहीं, कंडीशन पर विचार करना होगा। ये अति व्यथित अवस्था है। महाराज श्री दशरथ भी अति व्यथित अवस्था में हैं, इसलिए तुम कह करके संबोधित कर रहे हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव, वचन मोर तज रहई गए परिहर शील सने। बस आज राम मेरी बात ना माने, अयोध्या में रह जाए, ऐसी मति राम की कर दो, यही मेरी प्रार्थना है। दशरथ जी ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्यों नहीं, अभी अभी हो जाएगा। अब भगवान शिव के हृदय में राम जी बैठे और जैसे ही भोले बाबा ने कहा, शंकर जी ने कहा, चिंता मत करो दशरथ, धैर्य धारण करो, मैं आ गया हूँ। अरे ये तो छोटी सी बात है, अभी कह देता हूँ, अभी तुरंत कहता हूँ। भगवान राम ने हृदय में धक्का दिया, बाबा सब गड़बड़ हो जाएगा, क्या करने आ गए। हमारी 1% भी इच्छा नहीं है अयोध्या में रहने की। पिताश्री की करुणा देख करके आप अपना संतुलन खो रहे हैं भावुकता में। सारा का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा अगर जरा सा आपने असावधानी बरती हो, भावुकता में आकर के मुझे बाध्य कर दिया और कहीं वचन दे दिया पिताश्री को, तो फिर धर्म संकट आ जाएगा राम के सामने। ये क्या सोच रहे हैं आप? वो क्या कहने जा रहे हैं? भगवान शंकर बोले, इससे अच्छा तो कैलासी पर्वत से नहीं आते तो ठीक थे। हम ये समझ थोड़ी रहे थे कि मामला क्या है। यहाँ तो मैं आकर के धर्म संकट में फंस गया हूँ,
लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि आप मेरे प्रभु हो, इसलिए अब मैं ही धर्म संकट में फंस गया हूं, तो अब मुझे धर्म संकट से उबारो, क्योंकि मैं पिताजी के सामने खड़ा हूं, आपके पिताश्री के सामने ही हूं, और मैं देख रहा हूं मनोदशा को कि अगर जरा सा मैं ये कहता हूं कि नहीं नहीं मैं असमर्थ हूं, तो पिताश्री के प्राण अभी निकल जाएंगे, अभी अभी ये प्राण जो बचे हैं मेरे कारण बचे हैं कि विश्वास है कि अब भगवान शिव आ गए, हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा, जो मैं चाह रहा हूं वही होगा, लेकिन अब मैं आ चुका हूं, अब आप मुझे धर्म संकट से उबारो। भगवान ने कहा कि कैसे संभव, क्या होगा, कुछ सलाह दो। भगवान शिव ने कहा कि सलाह आपको कौन देगा, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, आप तो पिताजी के हृदय में प्रवेश करो और ऐसी प्रेरणा दो कि उनका जो मन है कि राम अयोध्या में रहे, वो अयोध्या में रहने वाला मन ना हो करके राम बन चले जाएं, ऐसा मन हो जाए, और बाहर से मैं करता हूं कंट्रोल, अंदर से आप संभालो, बाहर से मैं पूरी कोशिश करता हूं, मन बदलने की कोशिश बाहर पे कर रहा हूं, लेकिन जब तक अंदर से प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक बाहर से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्यों भाई, जब भी परिवर्तन होता है तो अंदर से होता है कि नहीं होता है, बाहर कोई कितना ही प्रयास करे, चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसका शब्द अगर हृदय में प्रवेश करके परिवर्तन नहीं कराता है तो ये समझ लो कि परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसलिए हृदय परिवर्तन तो आपके द्वारा होगा, आप प्रवेश करो, बाहर से मैं कोशिश करता हूं। भगवान राम की ये लीला अपने पिताजी के हृदय को परिवर्तित करने के लिए भगवान शिव की प्रेरणा से आज प्रवेश कर रहे हैं हृदय में, और जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान शंकर ने कहा, दशरथ एक बार विचार कर लो, अगर राम अयोध्या में रहते हैं तो तुम्हारा लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। दशरथ जी कहते हैं, अजस हो ये जग अरे सुजस नसाऊ, और नरक परों बद सुरपुर जा, भले ही मुझे नरक मिल जाए मैं नरक जाने को तैयार हूं, भले ही मुझे अपयश मिल जाए मैं अपयश लेने को तैयार हूं, लेकिन मेरा राम मेरी आंखों से ओझल ना हो, अयोध्या में ही रहे, मुझे नरक की चिंता नहीं है, अपयश की चिंता नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं, धीरे से क्या कर रहे हो, असर तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, अंदर से कोई प्रयास जारी नहीं हो रहा क्या, यहां तो लोक परलोक को भी दांव पे लगा दिया महाराज श्री दशरथ ने। भगवान राम बोले, प्रयास कर रहा हूं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, देखो भाई डॉक्टर कहता है कि दवा लो दर्द ठीक हो जाएगा, अब आपने दवा ली और कहा दर्द तो ठीक ही नहीं हुआ, अरे थोड़ा असर बाद में होगा कि नहीं, धीरे धीरे दवा का असर होगा, होगा जरूर। भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं मैं प्रेरणा दे रहा हूँ और आप चिंता मत करो, लेकिन आप बाहर से दबाव जरूर बनाए, पूरा प्रयास करें। भगवान शिव ने कहा, हे दशरथ तुमने लोक परलोक को दांव पे लगा दिया लेकिन विचार नहीं किया, एक बार तुम्हें विचार करना चाहिए, विचार नहीं किया, कोई भी कार्य करने के पहले विचार करना चाहिए, थोड़ा विचार करो, मैं कह रहा हूं विचार करो, तो देखो विचार की मुद्रा क्या है, आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है, ये विचार की मुद्रा है। अच्छा बोलो भाई, जब व्यक्ति आंख बंद करके विचार करता है तो अंदर जो भी होता है वो दिखाई देने लगता है कि नहीं, बाहर का दिखाई नहीं देता है, अंदर का दिखाई देता है जो विचार करता है आंख बंद करके,
और जैसे ही महाराज श्री दशरथ ने आंख बंद की, भगवान राम ने एक रील फिट कर दी अंदर।